जानिए जडेजा ने क्यों की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सीएसके के सभी पोस्ट डिलीट, और साथ ही क्यों नहीं किया महेंद्र सिंह धोनी को बर्थडे विश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके स्पोर्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार रवींद्र जडेजा ने क्यों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सीएसके के सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ ही आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2023 में रवींद्र जडेजा सीएसके टीम से खेलें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन 7 जुलाई को पड़ता है। आपको बताते चलें कि जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर रवींद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी को सोशल मीडिया पर विश नहीं किया है। इस बात पर सबका ध्यान तब गया जब एक ट्वीट यूजर ने इसके बारे में ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उसने लिखा कि रवींद्र जडेजा ने इस बार महेंद्र सिंह धोनी को उनके जन्मदिन पर विश नहीं किया है। यहां तक कि रवींद्र जडेजा ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से सीएसके से संबंधित सभी पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए थे। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान सीएसके के एक अधिकारी ने बताया कि जडेजा और फ्रेंचाइजी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, और एजेंसी से बात करते हुए सीएसके के एक अधिकारी ने इन सभी खबरों को अफवाह करार दिया है और सभी को यह बताने का प्रयास किया है कि सीएसके और रवींद्र जडेजा के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं चल रहा है और सभी का पहले ही जैसा संबंध रहा है। तो दोस्तों आज के अपडेट बस इतना ही। आपको क्या लगता है रवींद्र जडेजा ने सीएसके से जुड़ी पोस्ट क्यों डिलीट की है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।